मनीष कौशिक जी पढ़े लिखे पत्रकार हैं, विद्वान आदमी हैं, उनको वीडियो को तथा जो वीडियो जारी हुआ लोग दिखाया उसको जांच करके, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा मैंने समझ रहे कि मेरा फॉलोअर है, तो उनको जांच कर वीडियो को ये करना चाहिए था। अच्छा ये बताइए तो मनीष कौशिक पेपर, आप पेपर को मानते हैं? पेपर कौन सा न्यूज को मानते? पेपर को मानते हैं, सरकार के काम था, बिहार सरकार यहाँ से बिहार के नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं वो ट्वीट किए थे ना, ट्वीट के उनको किए थे कि देखिए भाई ऐसा बात है तो हमारे लोगों को सुरक्षा दीजिए, ऐसा मत कीजिए हमारा कहीं ना कहीं ये घटना हुआ था कि नहीं तमिलनाडु में जो घटना हुआ था? ये सब पूर्व के घटना था, पहले के घटना था, उसको तोड़ मरोड़ करके लोगों को जो ये चाल है बीजेपी सरकार के, आर एस एस जो बीजेपी कोई थोड़े पार्टी है, मुखौटा है उनका जो चाल है, उसको दंगा फसाद करके 2024 का चुनाव है बिहार में वो लोग समझ रहे हैं क्या हुआ है। नीतीश कुमार जी समझ तेजस्वी के साथ आ गए हैं, हम राज्य नीतिक बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ नहीं, मैं मनीष कश्यप पे ही आता हूँ, आप भी आइए, मनीष कश्यप पे FIR हुआ है, जो सही हुआ है गलत? मनीष कश्यप पर जो FIR हुआ है 100 में 100% सही हुआ है, मैं उस जो गलत काम किया है कानून अपना काम करेगा, और कानून के तहत जो जेल गए हैं मनीष कश्यप जेल गए हैं, उनका रुपया बरामद हुआ है, अगर फर्जी कंपनी के कागजात बरामद हुआ है कई जगह ईडी और छापेमारी हुआ है, तो देखिए क्या क्या होता है, कानून अपना काम कर रहा है। तो कानूनी प्रक्रिया जांच का विषय है कि वो पैसा फर्जी है कि कैसा है, ये तो सरकार का काम है, तो सरकार अपना काम कर रहे, कानून काम कर रहे, वो तो काम कर रही है, काम कर रही है। लेकिन मनीष कश्यप का कहना है साफ तौर से कि जहां घटना हुआ तो पेपर में पहले छापा गया, बड़े बड़े मीडिया में चलाया गया, उसके बाद मैं गया दिखाने के लिए, वहाँ लोग गया था जहाँ यहाँ बिहार के लोग भी गए थे, वहाँ पर बिहार के लोग भी अफसर बड़े बड़े अफसर को नीतीश कुमार जी विदा किए थे, फोन से बात किए थे, और वहाँ इस तरह का कोई मामला नहीं था, जो भी फर्जी पहले का जो पेपर था उसी को लेकर ही चलाए हैं, साफ हो गया है कि उस तरह घटना अभी कोई घटना नहीं है। तो केस, तो मेरा कहने का मतलब केस एक पे होना चाहिए कि जो जो चलाया सब पे होना चाहिए, जो जो इसमें जिस अपराध करने में सम्मिलित है सारे लोग को दोषी बना करके आरोपित बनाकर उनको जेल में डालिए, बिहार सरकार से लेकर तमिलनाडु और पूरे हिंदुस्तान के जितने भी सरकार चल रहे हैं, मैं सब सरकार से मांग करूंगा कि जो भी दंगा फसाद करवाने का काम कर रहा है उसको FIR कीजिए और उसको जेल में डालिए। तो जो जो मतलब और भी बड़ा मीडिया चलाया है, जैसे कि पेपर वाले दैनिक चलाए और जितने भी चलाए, उन पे सब पे तो FIR होना चाहिए, सब FIR हो, जो जो स्टेट सरकार के कब्जा में है, अधीन में है, जो स्टेट सरकार कर रही है, केंद्र सरकार के जो अधीन में है, केंद्र सरकार पर कार्रवाई करे। हाँ तो करना चाहिए ना। चलिए भैया आपका परिचय जानिए। मेरा नाम वसत नारायण राम, मैं व्यवहार न्यायालय आरा। मनीष कश्यप के मामले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कल बिहार में पूरे जगह जाम किया गया था उनके रिहाई को लेकर? मनीष कश्यप एक जाने माने पत्रकार हैं, और जो पत्रकारिता होता है या मीडिया जो होता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, और चौथा स्तंभ का मतलब होता है इसका कर्तव्य और कर्म होता है कि लोकतंत्र को बचाए रखना, लोकतंत्र को बचाए रखना ही इनका मुख्य काम है, और जनता की कठिनाइयों को सरकार के सामने रखना और सरकार की बात को जनता के सामने रखना, यही मीडिया का भूमिका होती है। लेकिन मनीष कश्यप जी जिस तरह का देश में आग लगाने का काम किया, लोकतंत्र को ध्वस्त करने का काम किया, मैं समझता हूं एक पत्रकार के रूप में रबीश जी की भाषा में गोदी मीडिया की तरह काम करते हुए एक षड्यंत्रकारी और लोकतंत्र विरोधी देश में आग लगाने का काम किया है। मतलब कौन कौन सा उनका काम है जो कि आपको पसंद नहीं पड़ा, आग लगाने का काम किए हैं, कौन कौन सा? अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा है जो तमिलनाडु में घटना, किसी प्रकार की घटना नहीं हुई थी तमिलनाडु में, हमारे बिहार के मजदूरों के साथ कोई प्रकार की न मारपीट न कोई घटना हुआ था, लेकिन इन्होंने फर्जी वीडियो बनाकर वायरल किया, और सारे गोदी मीडिया के लोगों ने, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया,
गोदी मीडिया के सारे लोगों ने इसको लोक करके खिलौना बनाकर और देश को गुमराह करने का काम किया और खास तौर से बिहार सरकार को गुमराह करने का काम किया। ये बताइए, मनीष कश्यप से पहले पेपर छापा, उसके बाद राजद के नेता ट्वीट किए, सारे अनेक जितने पार्टी था सब ट्वीट किए कि तमिलनाडु में ये घटना हुआ है, तब तो मनीष कश्यप गए और वहाँ का खबर दिखाए, चाहे जो भी कहीं आता है न्यूज तो हम लोग भी शेयर मार देते, आप भी कहीं ना कहीं शेयर मार देते, तो शेयर करने वाला दोषी है कि जो बनाया है उसको पब्लिश किया वो दोषी है? ये बिल्कुल झूठा है। पहले मनीष कश्यप ये गलत ढंग का वीडियो बना करके वायरल किए। मनीष कश्यप नहीं बनाए, मनीष कश्यप के पास दूसरा कोई शेयर किया, तब जाके कहीं ना कहीं सारे जगह में नहीं नहीं सामने तो ये आया कि ये लोग पटना में फलाने जगह कुछ लोगों को जुटा करके अगल ढंग का वीडियो बनाया। ये आपको नॉलेज नहीं है, वो नहीं बनवाए, वो शेयर किए, यही ओरिजिनलिटी है। नहीं है ओरिजिनलिटी है, नहीं नहीं, नहीं। जब शेयर किए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज मनीष कश्यप को बताना चाहिए कि इनको कौन शेयर किया था, किसके आधार पर इन्हें वायरल किया था। ये तो जांच का विषय है ना, ये साइबर क्राइम जो होता है देखता है वो तो 2 मिनट में पकड़ लेगा, चाहेगा कौन वीडियो शेयर किया, पहला वीडियो कौन शेयर किया। जांच का विषय है तो जांच तो चल रहा है, लेकिन अभी हम जो पेपर के माध्यम से हमने पढ़ा, क्योंकि पेपर तो वही गोदी मीडिया है, पेपर में यही बात सामने आया कि अपने बचाव पक्ष में पूछताछ में जो 24 घंटे का रिमांड लिया गया था ये समय गंवा दिए, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि किनके संरक्षण में हैं और कौन कौन इनके साथ लोग हैं, इनको कौन कौन मदद कर रहे हैं, ये एक मनीष कश्यप बताने से इनकार कर रहे हैं, कतरा रहे हैं। अच्छा, ये एक बात और, जो पेपर पहले छापा तो वो दोषी है, या बड़ा मीडिया चलाया वो दोषी है, या बाद में जब मनीष कश्यप चलाए तो मनीष कश्यप ही? आपका दावा गलत है, मैं समझता हूँ कि पहले मनीष कश्यप वायरल किए तब मीडिया ने चलाया। आपका जानकारी नहीं है, मैं बता देता हूँ, पहले पेपर छापा है, जान लीजिए, लेकिन तो याद नहीं है, याद कर लीजिए, सबसे पहले तमिलनाडु का उसी पेपर हम क्यों पकड़ेंगे, सरकार का जांच का विषय, जांच तो चल रही है, लेकिन आज जो भारत की स्थिति है, भारत में जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आपने ताजा उदाहरण सुना होगा दिल्ली में, देश हटाओ मोदी हटाओ देश बचाओ जो पोस्टर छपा, धड़ाधड़ दिल्ली पुलिस ने 138 FIR कर दिया, लेकिन कल ही वहां के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर बीजेपी के लोगों ने पोस्टर लगाया, तो दिल्ली पुलिस से तो कर्तव्य होना चाहिए था कि उन लगाने वाला पर भी FIR होनी चाहिए। ये तो लगता है कि सीधा सीधी लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, लोकतंत्र भारत के खतरे में है, लोकतंत्र के लिए एक जो विपक्षी पार्टी होता है रीढ़ की हड्डी होती है, स्तंभ होता है, लेकिन अभी तो आपका 8-10 दिन से चल रहा है लोकसभा, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया रहा है, इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या किसको कहा जा सकता है। भैया आपने, मैं सकलदेव प्रसाद अधिवक्ता सिविल कोर्ट आ रहा हूँ, क्या कहेंगे, किस नजर से देखते हैं इस केस को? देखिए, पत्रकार का मतलब होता है सही खबरों को जनता के बीच में ले जाना। हमारे देश में आज ऐसी परिस्थिति बन गई है कि भारत के अधिकतर पत्रकार, जो भारत की बुनियादी सवाल है, यहाँ के आम लोगों की जो बुनियादी सवाल है उसको नहीं उठाता है, बल्कि ये शासक वर्गों के गोद में खेलता है। ये मनीष कश्यप या तमाम कुछ गिने चुने पत्रकार को छोड़ करके, या आपके तरह यूट्यूबर लोग जो हैं, कुछ खास ही हैं जो भारत के सही जो समस्या है उसको पब्लिक के सामने ला रहे हैं। तो क्या बड़ा मीडिया कहीं ना कहीं आता है आपके पास खबर लेने के लिए कि क्या होता है, यही यूट्यूब है या यही यूट्यूबर है कि हर जगह जाके आम लोगों का आवाज बनता है? जितने भी यूट्यूबर हैं जो अच्छे ढंग से भारत के समस्या को, लोगों के समस्या को उठाते हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। अन्यथा जो भारत के लोगों को बरगलाते हैं, जातीय उन्माद फैलाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य के नागरिकों के बीच में लड़ाने का काम करते हैं, और जो सही तथ्य है, सही मुद्दा है, उसको नहीं उठाते हैं, वैसे पत्रकार को मैं कहता हूं कि वो भारत के
पत्रकारिता जगत में कलंक है। गंगा जो अभी यूट्यूबर माने हमारे सामने पत्रकार हैं, इनका भी जो कार्यशैली है, ऐसे पत्रकारों को हम अभिनंदन करते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि भारत के नागरिक के गरीब के सारे बुनियादी सवालों को उठाएं, यहाँ तक कि हमारे वकील लोग के बीच में भी जो समस्या है उसको भी उठाएं। ऐसे पत्रकारों को हम भारत के अंदर लोकतंत्र के मजबूत करने वाले पत्रकार समझते हैं। नाम बताइए। चातर से हैं, राहुल कुमार मेरा नाम है। ये बताइए, अभी देखें मनीष कश्यप का केस जो चल रहा है, या कल पूरा बिहार जाम था, क्या कहेंगे? मनीष भैया के तो सबसे बड़ा मतलब फैन तो हम किसी का है नहीं, पर उनका वीडियो हम देखते हैं, उनका कहीं ना कहीं मतलब वो सच भी दिखाते हैं और उनके कुछ बातें मुझे मतलब ऐसी भी लगता है, अच्छा लगता है, कुछ बातें सपोर्ट में। जी, मनीष कश्यप बिल्कुल ही निष्पक्ष और सत्य बात को कही है। सरकार ने बिल्कुल अपनी षड्यंत्र और साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, वो बिल्कुल निर्दोष है, हम उनके पक्ष में हैं। वो बिल्कुल जो कर रहे हैं कह रहे हैं, वो आम जनता के बीच जाते हैं और अपनी बात को रखते हैं। और आज की मीडिया जो है बड़े बड़े जो वो बड़े बड़े षड्यंत्र के तहत और बिल्कुल मीडिया जो है बिक चुकी है, जो छोटे छोटे हैं वो नीचे स्तरों से जड़ को पकड़े हुए हैं और जड़ की आवाज़ ही जनता की आवाज़ है और बड़ी बड़ी आवाज़ें तो बिक चुकी है। यही हमसे कहना है, मनीष कश्यप बिल्कुल निर्दोष है। मनीष कश्यप हमेशा सच्चाई का साथ दिए हैं और कहीं ना कहीं जो हमारी अभी वर्तमान सरकार है वो सच्चाई को दबाने की लगातार कोशिश कर रही है। देखिए, अभी कोर्ट है, कचहरी है, यहाँ पे अधिकांश जितने मजबूर लोग होते हैं वहीं आते हैं। हमको उम्मीद है 100% जिससे पूछिएगा ना वो मनीष कश्यप के समर्थन में रहेंगे। क्यों? क्योंकि वे सबका आवाज बन चुके थे कहीं ना कहीं, और सरकार जो है हमारी वो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम इसी कोर्ट में ये भी ऐलान कर रहे हैं कि आज हो चाहे 2 महीना बाद हो, उनको बाइज्जत बरी किया जाएगा। और सभी लोग उस वक्त जितने आज विपक्षी भी हैं उनके, अगर उनके विरोध में बोल रहे हैं, उनका भी शर्म से एकदम मुड़ी नीचे होगा। सन ऑफ बिहार क्या कहेंगे? अभी कल बंदी था, क्या कहेंगे? उनको कहीं ना कहीं जेल में रखा गया, क्या कहेंगे? सही खबर दिखाते थे, गलत? सही दिखाते थे। अगर हम वो सच बोल तो वही जेल में चल जाए, मतलब डर लग रहा है। हाँ, सच बोले में डर लगता, वो सच बोल रहे तो जेल में चल गई ले, अब वही सच बोल तो जेल में चल जाए। आ सोचे कह के आई बनी घर बस तो जेल जवाइल बनी तारीख को सोचे बोल ले बनी तो केस हो गई बा। एक बात और है कि मेरा परिचय बहुत लोग नहीं जानते हो, मैं भोजपुरी सिंगर अभय चुबे, इसी नाम से मेरा आईडी भी चलता है। मेरा आईडी को कल 9 बजे रिपोर्ट कर दिया गया, 2 दिन के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, अभी स्क्रीनशॉट है मेरे मोबाइल में, इसी वजह से कि मैं उनके समक्ष माने उनके पक्ष में अपना वीडियो बनाता था जिनमें उनका सच्चाई का उजागर करता था। तो सही बात है, ये भाई डर रहे हैं तो गलत नहीं डर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर उनके समर्थन में बोल देंगे तो इनको भी जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे, जितने भी मतलब उनके विपक्ष वाले लोग हो, कान खोल के सुन लीजिए, युवा नहीं डरेगा, चूंकि युवा से ही बिहार है और बिहार का प्रगति निश्चित है, अब युवाओं के हाथ में ही सत्ता आएगी। उससे पहले जो दिखाया है दैनिक जागरण है और बहुत सारे मतलब पेपर है उसने दिखाया, हाँ बहुत सारा अथी है उसमें दिखाया गया, तो पहले उनको पकड़िए, उनके बाद में मनीष भैया को पकड़िए, उनके कहीं कहीं ना कहीं गलत, हाँ बहुत गलत है। इनके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, जान भी दे दूंगा इनके लिए। पर सही पॉइंट पर, ये सही पॉइंट है, कहीं ना कहीं मनीष भैया भी कभी खबरें दिखाते हैं तो गलत दिखाते हैं, उनका भी मैं विरोध करता हूँ, और इस विषय में वो सही है, उनके लिए मैं खड़ा हूँ, उनके लिए जान देना पड़ेगा ना, आपके सामने खड़ा हो जाएंगे। चलिए, अभी हम मौजूद थे आरा कोर्ट में, मैं कुछ वकील कुछ लोग थे यहाँ पे जो कि अपनी अपनी राय दे रहे थे। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए।